हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी स्टडी पर। आज हम क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। यह पार्ट टू है। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन ज़रूर देखिए ताकि आपके लिए यह वीडियो ज़्यादा लाभदायक साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से क्या हो गई थी? कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण वह अपने लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने में असफल हो गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, जिसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी हो गई। अब आपका क्वेश्चन होगा कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी कैसे हो गई और अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध कैसे हो गई। ठीक है, गतिरुद्ध का मतलब होता है रुक गई, थम गई। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि वे अब क्या करते थे, अपने संसाधनों का ज़्यादातर इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में और सैन्य साजो सामान पर खर्च करते थे, और साथ ही पूर्वी यूरोप के अपने खेमों के देशों के विकास के लिए भी खर्च करते थे ताकि वे सदैव सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। ये सारे कारण थे। इसी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, गतिरुद्ध हो गई और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई। देखिए, इसी बीच क्या हुआ कि पश्चिमी देशों की तरक्की के विषय में सोवियत संघ के आम नागरिकों को जानकारी हुई, इसके कारण वे अपनी राजव्यवस्था और पश्चिमी देशों की राजव्यवस्था के बीच मौजूद अंतरों को भांपने लगे, क्योंकि इन लोगों को कई वर्षों तक कहा जा रहा था कि सोवियत संघ की जो राजव्यवस्था है पश्चिमी राजव्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, परंतु ऐसा नहीं था। उन्हें असलियत का पता चल रहा था धीरे धीरे, क्योंकि संचार प्रणाली इतनी उन्नत थी कि सोवियत संघ के जो आम नागरिक है उन्हें ये बात कभी ना कभी तो पता चलनी ही थी। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट है, सोवियत संघ प्रशासनिक तथा राजनीतिक रूप से भी गतिरुद्ध रही, क्योंकि 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी है वह ही शासन कर रही थी और किसी पार्टी को मौका ही नहीं मिलता था अपनी सरकार बनाने का। एट पॉइंट आई है, पार्टी अब जनता के प्रति क्या हो, उत्तरदायी नहीं रही, जवाबदेही नहीं रही थी। नौवा, पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा अधिकार, अधिक विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है गाइस, टेंथ पॉइंट है, लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, सरकार को जनाधार घिसकता जा रहा था, सरकार पर से जनता का विश्वास जो है हटता जा रहा था, खिसकता जा रहा था। 11th पॉइंट है, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वादा किया गया। उन्होंने कहा कि हम अब सुधार लाएंगे और सोवियत संघ को एक तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ठीक है, 12th पॉइंट, गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिमी की बराबरी पर लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने की वादा किया कि हम प्रशासनिक ढांचे में अब ढील देंगे। 13th पॉइंट, जब गोर्बाचेव में सुधारों को लागू किया, ठीक है, तो क्या हुआ, वह व्यवस्था में ढील दे दी, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं जो अपेक्षाएं थी वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। इस पर काबू पाना बिल्कुल भी असंभव नहीं था। ठीक है, सोवियत संघ में जनता का एक तबका था वह ये सोच रहा था कि गोर्बाचेव को अधिक तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और 15th पॉइंट है, ये लोग उनकी कार्य पद्धति से अपना धैर्य खो बैठे और निराश हो गए। उन्हें बहुत ही धीमी गति से लाभ हो रहा था। उनके अनुसार उनको लग रहा था कि जो गोर्बाचेव है बहुत ही धीमी गति से सुधार कर रहे हैं और हमें लाभ भी बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो उनके अनुसार चाहिए था कि जो गोर्बाचेव है एकदम तेज़ी से सुधार लाएँ और तेज़ी से कार्य पद्धति को बढ़ाएँ। लेकिन जनता का एक हिस्सा विशेषकर कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देते थे या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, वे लोग जिन्हें सोवियत व्यवस्था से लाभ होते थे, उनका मानना था, उनके विचार से इसके विपरीत थे। उनका कहना था कि उनकी सत्ता विशेषाधिकार में अब कमी हो रही है और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं सुधार करने में।
उन्हें धीमी गति से सुधार करना चाहिए। तो ये दो जनता का दो तबका हो गया था जो एक दूसरे की विचारधाराओं से भिन्न थी। इन सभी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ। इसका कारण क्या हुआ? इसका सोवियत संघ का विघटन का कारण तो राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की थी। अब ये ज़्यादा यह उभार आया कहाँ? तो ये इस प्रकार के जो उभार थे वे रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया लतविया और लिथुआनिया यूक्रेन जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य सम्मिलित देशों के बीच में देखने को मिला। राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ था। गोर्बाचेव ने सुधारों के राष्ट्रवादियों के असंतोष के इस असंतोष को इस हद तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण ही नहीं रहा। ठीक है, 23 पॉइंट क्या है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोगों का मानना था कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई जो गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, उनके अनुसार ऐसा लग रहा था क्योंकि ये गणराज्य जो थे रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से पृथक पृथक मतलब अलग और आर्थिक रूप से काफ़ी बिछड़े हुए थे। लेकिन इसके विपरीत यह हुआ कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध राष्ट्र गणराज्य रूस यूक्रेन जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल दिखा। यह आम जनता अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रही थी। ठीक है, इनका आपस में अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया था कि अधिक बिछड़े क्षेत्रों को सोवियत संघ में सम्मिलित रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपका होमवर्क है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे बताइए। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो इट मीन समझ जाइए कि आपको यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है।